बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट ये गिवन है कि गिवन द परमोटेशंस, ये तीन परमोटेशंस गिवन है, तो इनका हमने एक तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, एफ कम्पोजिशन जी, जी कम्पोजिशन एफ, और दूसरा हमने इनके ऑर्डर्स को भी फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ एफ जी एंड एच। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने परमोटेशन की मल्टीप्लीकेशन को डिटेल के साथ डायाग्राम के जरिए से आप लोगों को समझा दिया था। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड के जरिए से इनकी मल्टीप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूँ। एफ कम्पोजिशन जी मतलब हमने इन दो परमोटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपने यहाँ पे पहले एफ परमोटेशन को लिख लिया और यहाँ आपने जी परमोटेशन को राइट डाउन कर लेना है। उससे नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है कि इस परमोटेशन को आपने एज इट इज राइट डाउन करना है। ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसको एज इट इज राइट डाउन कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यही एलिमेंट आपने उठा के यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं। देखें 2, 4, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 1, यही एलिमेंट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। फिर ये वाले एलिमेंट्स आपने कैसे राइट डाउन करने हैं, इसके लिए देखें कि यहाँ से आपने इनके इमेजेस को देखना है। अब 2 का इमेज 5 है तो यहाँ पे आपने 5 राइट डाउन कर दिया, 4 का इमेज 1 है यहाँ पे आपने 1 राइट डाउन कर देना है, 6 का इमेज 3 है तो यहाँ पे 3, 5 का इमेज यहाँ से देखें 2 है तो यहाँ पे आपने 2 राइट डाउन कर देना है, 3 का इमेज यहाँ से देखें 4 तो 4 आपने राइट डाउन कर देना है। इसी तरह से 1 का अगर आप इमेज देखें तो 6 है तो यहाँ पे देखें हमने 6 राइट डाउन कर दिया। अब फिर जब हमने इसको अब क्लोज करना है, प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं इनको आप खत्म कर देंगे और फिर आपने क्या करना है, इसको आपने डोमेन में ही रहने देना है और ये इस डोमेन के इमेज बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एज इट इज एलिमेंट्स आ गए और ये आपने क्या किया, इनके इमेजेस की फॉर्म में लिख दिया और यही हमारा आंसर है एफ कम्पोजिशन जी का। अब इससे नेक्स्ट हमने जी कम्पोजिशन एफ को फाइंड आउट करना है, तो अब उसके लिए भी देखें, पहले हम जी परमोटेशन को लिख दिया, इसी तरह से हमने एफ परमोटेशन को भी राइट डाउन कर दिया। अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो डोमेन वैल्यूज हैं इनको एज इट इज राइट डाउन करें। उसके बाद अब 6 है तो 6 का यहाँ से देखें इमेज 1 है तो यहाँ पे हमने 1 राइट डाउन करना है, 5 का इमेज क्या था 3 तो यहाँ पे आपने 3 राइट डाउन कर देना है, 4 का इमेज 5 है तो यहाँ पे आपने 5 राइट डाउन करना है, 1 का इमेज यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपने 2 राइट डाउन करना है, 2 का इमेज 4 तो यहाँ पे 4, 3 का इमेज 6 है तो यहाँ पे आपने 6 राइट डाउन करना है और यही जी कम्पोजिशन एफ का प्रोडक्ट है। अब इससे नेक्स्ट जी कम्पोजिशन एच, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनके आंसर्स अब राइट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने परमोटेशंस की मल्टीप्लीकेशन को किया था और यहाँ भी आपको मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं, बाकी के ये आंसर मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए, आप इनको चेक कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट था कि हमने इन परमोटेशंस के ऑर्डर को भी फाइंड आउट करना है। अब देखें, इससे पहले जब हमने परमोटेशन के ऑर्डर की डेफिनेशन की थी तो वहां पे हमने देखा था कि किसी भी परमोटेशन की जो मिनिमम पावर जो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे वो उसका ऑर्डर कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ जिसके जरिए से आप किसी भी परमोटेशन का ऑर्डर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और ये शॉर्ट मेथड भी है और आसान भी है। तो उसके लिए आपने करना यह है कि जो भी हमारे पास गिवन परमोटेशन होगी उसको हमने साइक्लिक परमोटेशन की फॉर्म में लेकर आना है। अगर आप लोगों को साइक्लिक परमोटेशन का नहीं पता तो आप एक्सरसाइज 2.3 के जो आर्टिकल्स का पार्ट 1 है वहां से आपको इसकी डेफिनेशन डिटेल के साथ वहां से मिल जाएगी। तो अब यहां पे मैं सिर्फ इसको साइक्लिक परमोटेशन की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। अब देखें 1, 2 को मैप कर रहा है, 2, 4 को, 4, 5, 5, 3 को, 3, 6 और 6 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को मैप कर रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट साइकिल बन रहा है। अब देखें 1, 2 को मैप कर रहा है जी, 2, 4 को, 4 किसको मैप कर रहा है, 5 को, और 5, 3 को मैप कर रहा है, 3, 6 को मैप कर रहा है और 6 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को। और उससे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि फिर साइक्लिक परमोटेशन की लेंथ को आपने चेक करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। अगर हम यहां से देखें तो इसकी लेंथ 6 है, तो जितनी किसी भी परमोटेशन को जब हम डीकम्पोज करेंगे साइक्लिक परमोटेशन में और साइक्लिक परमोटेशन की जितनी लेंथ होगी वही उस परमोटेशन एफ का ऑर्डर भी होगा। दिस फॉलोज ऑर्डर ऑफ एफ परमोटेशन इज 6। अब इससे नेक्स्ट हम ऑर्डर चेक करते हैं कि जी का ऑर्डर क्या है, तो जी को भी हम साइक्लिक परमोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 1, 6 को मैप कर रहा है, 6, 3 को, 3, 4 को और 4 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को। तो इसका मतलब 1, 6, 3, 4 एक ये साइकिल बन रहा है। उससे नेक्स्ट 2, 5 को और 5, 2 को, तो दूसरा साइकिल ये बन रहा है। और अब यहाँ पे देखें जी
परमोटेशन को हमने इन दो साइक्लिक परमोटेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इनको डिकम्पोज कर दिया है, और इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 4 है, और इस साइकिल की अगर हम लेंथ देखें तो 2 है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर हम इनके जो लेंथ है इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 4 और 2 का एलसीएम लें तो वो हमारे पास 4 ही आएगा, तो जब 4 अगर इसका एलसीएम है तो फिर इसका ऑर्डर भी 4 ही होगा। सो द ऑर्डर ऑफ जी परमोटेशन इज 4। इससे नेक्स्ट हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है एच परमोटेशन का, तो उसके लिए भी हम एच परमोटेशन को साइक्लिक की फॉर्म में डीकम्पोज करवाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 1 5 को मैप कर रहा है, और 5 6 को, 6 3 को, और 3 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को। तो इसका मतलब एक ये साइकिल बन रहा है, दूसरा अगर हम देखें तो 2 4 को, और 4 2 को दूसरा साइकिल इसका ये बन रहा है। इसमें भी इसकी लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 2 है, और अगर हम 4 और 2 कैल्शियम लें तो इसका आंसर 4 आएगा, तो फिर H का ऑर्डर भी 4 ही होगा। ये अल्टरनेट मेथड है, अगर आप CH को H की पावर 4 लें तो ये 4 ही वो मिनिमम पावर होगी जिसके ऊपर H आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। गिवन परमोटेशन अल्फा, ये गिवन परमोटेशन है, वेरीफाई दैट अल्फा रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब कि हमने इस परमोटेशन के लिए ये रिजल्ट प्रूव करना है कि जब हम अल्फा की पावर 6 लें तो ये फिर परमोटेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अल्फा स्क्वायर के लिए हम अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अल्फा को यहाँ पे हमने 2 टाइम्स राइट डाउन कर देना है। उससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये डोमेन वैल्यूज को एज इट इज हमने राइट डाउन कर देना है, 1 2 3 4 5। अब ये इमेजेस हमने कैसे लिखने हैं, ये जो इस परमोटेशन के इमेज है, फर्स्ट के जो भी इमेज होंगे आपने सेकंड में देखना है कि उन एलिमेंट्स के इमेज क्या बन रहे हैं। अब 2 का इमेज यहाँ पे 1 है तो यहाँ आप 1 राइट डाउन करें, 1 का इमेज यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 राइट डाउन करें, 4 का इमेज 5 है तो यहाँ पे 5, 5 का इमेज 3 तो यहाँ पे आप 3 राइट डाउन करें, 3 का इमेज यहाँ से देखें 4 तो यहाँ भी आपने 4 ही राइट डाउन करना है, और यही अल्फा स्क्वायर का आंसर है। इससे नेक्स्ट हम अल्फा क्यूब फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा क्यूब फाइंड आउट करने के लिए अल्फा स्क्वायर को अल्फा के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो यहाँ हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करेंगे और साथ में हम अल्फा को राइट डाउन कर देते हैं। अब इससे नेक्स्ट फिर हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन ही करवानी है, तो मल्टीप्लीकेशन में डोमेन के एलिमेंट्स हम एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर दोबारा देखें, 1 1 का इमेज 2 है तो यहाँ 2 लिखें, 2 2 का इमेज 1 है तो यहाँ पे 1 राइट डाउन करें, 5 5 का इमेज 3 तो यहाँ पे आप 3 लिखें, 3 3 का इमेज 4 तो यहाँ पे आप 4 लिखें, 4 4 का इमेज क्या है यहाँ पे 5 तो 5 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ये अल्फा क्यूब का आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट हम यहाँ से अल्फा 6 इजिली निकाल सकते हैं कि अल्फा क्यूब को जब अल्फा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फा की पावर 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखें डोमेन वैल्यूज हमने एज इट इज लिखनी। अब 2 2 का इमेज 1 तो यहाँ पे हमने 1 ही लिखना है, 1 1 का इमेज यहाँ पे क्या 2 तो यहाँ 2 लिखें, 3 3 का इमेज क्या बन रहा है 3 तो यहाँ 3 लिखा हमने, 4 4 का इमेज 4 है यहाँ भी हमने 4 राइट डाउन कर दिया, 5 5 का इमेज भी 5 है तो यहाँ हमने 5 राइट डाउन कर दिया। और अब यहाँ से देखें हर एलिमेंट का जो इमेज है वो इटसेल्फ ही है। अगर इस तरह की परमोटेशन आ जाए तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी परमोटेशन है। दिस फॉलोज अल्फा रेज टू पावर 6 इज आइडेंटिटी परमोटेशन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर द परमोटेशंस। ये साइक्लिक परमोटेशन गिवन है तो हमने इनके लिए मल्टीप्लीकेशन टेबल राइट डाउन करना है। तो इसके लिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और इस परमोटेशन को हम नाम दे लेंगे आइडेंटिटी का। देखें साइक्लिक परमोटेशन वाला लेक्चर अगर आपको प्रिपेयर है तो वहां मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी सेट एक्स के जो एलिमेंट्स साइकिल बना रहे होंगे वो तो उसकी साइक्लिक परमोटेशन के अंदर आएंगे, बाकी के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ये तो चूंकि इटसेल्फ में अभी आइडेंटिटी परमोटेशन है, और इससे नेक्स्ट इसको हम नाम दे लेते हैं अल्फा का। अब देखें यहाँ पे 1 2 को मैप कर रहा है, 2 3 को, 3 4 को, और 4 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को। तो ये सारी परमोटेशन हमने यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है। इससे नेक्स्ट इसको हम बीटा का नाम दे लेते हैं, तो इसमें देखें 1 4 को, 4 3 को, 3 2 को, और 2 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को मैप कर रहा है। तो ये इस अरेंजमेंट के साथ हमने बीटा परमोटेशन को भी राइट डाउन कर लेना है। इससे नेक्स्ट अब ये 2 साइक्लिक परमोटेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है, तो इसको हम गामा का नाम दे लेते हैं, और इसको अब हम यूं राइट डाउन करेंगे। अभी जो मैंने आपको रिवाइज करवाया था साइक्लिक परमोटेशन वाला, 1
किसको मैप कर रहा है, 3 को और 3 1 को, देखिए 1 3 को और 3 1 को, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर डोमेन सेम होने चाहिए, तो डोमेन सेम करने के लिए बाकी के जो एलिमेंट्स हमने इसमें ऐड करवाए हैं तो उनको हम आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें 2 4 को और 4 2 को, 2 4 को और 4 2 को मैप कर रहा है, बाकी एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर ही लिख दिया। अब फिर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डोमेन एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। उससे नेक्स्ट 3 का इमेज हम यहाँ से देखेंगे, 3 है तो यहाँ हम 3 राइट डाउन करेंगे, 2 का इमेज 4 तो यहाँ पे 4, 1 का इमेज 1 यहाँ 1 राइट डाउन करेंगे, 4 का इमेज यहाँ पे क्या है 2 तो यहाँ पे हमने 2 राइट डाउन कर दिया। अब ये परमोटेशन तो हमारे पास आ गई, एक आइडेंटिटी है अल्फा बीटा और गैमा। अब हमने इनका मल्टीप्लीकेशन टेबल हमने इसका बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस अल्फा परमोटेशन को पहले अल्फा के साथ फिर बीटा फिर गैमा, इसी तरह से बीटा को हम पकड़ेंगे अल्फा के साथ फिर बीटा के साथ फिर गैमा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर गैमा के लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि गैमा को अल्फा के साथ फिर बीटा के साथ फिर गैमा को गैमा के साथ ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अल्फा को, जब हम अल्फा के साथ ही मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ ये हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डोमेन वाली वैल्यू उसको एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं, और बाकी यहां से देखेंगे 2 का इमेज 3 है यहाँ पे 3 राइट डाउन किया, 3 का इमेज 4 तो यहाँ पे 4, 4 का इमेज 1 तो यहाँ पे हमने 1 राइट डाउन किया, 1 का इमेज 2 तो यहाँ पे हमने 2 राइट डाउन किया। चूंकि ये परमोटेशन गैमा के इक्वल है इसलिए यहाँ हम गैमा लिख सकते हैं। अब अल्फा को हम बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसके लिए भी हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी परमोटेशन बन रही है, मतलब अल्फा डॉट बीटा आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब अल्फा को हम गैमा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आंसर आता है, और ये तो बीटा के इक्वल था इसलिए हमने इसको भी बीटा राइट डाउन कर देना है। अब इससे नेक्स्ट ये तमाम मल्टीप्लीकेशन आप लोग खुद से करवा सकते हो, तो इसलिए बाकी के ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हम इन परमोटेशंस का टेबल बनाते हैं, नौ वी मे का टेबल। इससे पहले भी आप लोगों ने काफी टेबल बना लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट ही इसको राइट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ऑपरेशन को लिखना होता है और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपने तमाम परमोटेशन को वन टाइम राइट डाउन करना है, आइडेंटिटी अल्फा बीटा गैमा, आइडेंटिटी अल्फा बीटा गैमा। अब ये चूंकि आइडेंटिटी है तो इसलिए ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। जब हमने अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाया था तो अभी हमने देखा कि वो आंसर गैमा दे रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे गैमा राइट डाउन कर देना है। अल्फा को बीटा के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आइडेंटिटी, अल्फा को गैमा के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया था तो बीटा। इस तरह से बाकी की वैल्यूज भी आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, तो इस तरह से रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिया। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये अल्फा एक परमोटेशन गिवन है, फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय अल्फा। तो मैं आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप का पहले थोड़ा सा रिव्यू करवाता चलूं कि साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हूं, तो वो एलिमेंट फिर उसका क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है, और उस जनरेटर को हम इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास बनते जाते हैं। और किस टाइम तक हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उस टाइम तक जब तक वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसलिए अब हम फिर अल्फा चूंकि जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो फिर हम अल्फा को इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जितने भी एलिमेंट्स बनते जाएंगे वो तमाम के तमाम इस साइक्लिक ग्रुप के ही एलिमेंट्स होंगे, यहां तक के अल्फा की पावर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने अल्फा को मल्टीप्लाई करवाना है अल्फा के साथ। जब हम अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फा स्क्वायर आएगा, यही हमने 2 टाइम्स राइट डाउन कर दिया। उससे नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन आप लोग अब सीख चुके हैं तो ये अल्फा स्क्वायर एलिमेंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट हमने अल्फा क्यूब फाइंड आउट करना है, तो अल्फा क्यूब के लिए अल्फा स्क्वायर को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसका भी ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट हमने अल्फा की पावर 4 फाइंड आउट करें, तो अल्फा की पावर 4 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो आइडेंटिटी आंसर आता है, तो इसलिए यहीं तक हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि तमाम एलिमेंट्स इस साइक्लिक ग्रुप के हमारे पास आ चुके हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, एक तो हमारे पास आइडेंटिटी अल्फा, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस साइक्लिक ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं। अब इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्रेस देम एज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमोटेशन ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। ये गिवन साइक्लिक परमोटेशन है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के फिर हमने इनको साइक्लिक परमोटेशन और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट की फॉर्म में हमने इनको राइट डाउन करना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसमें हम इस परमोटेशन को नाम दे लेते हैं अल्फा का,
क्योंकि ये साइक्लिक परमुटेशन है और इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई भी करवाना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डोमेन 6 तक गई है, इसका मतलब अब इस परमुटेशन को जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आऊंगा तो डोमेन में हमने इसको 6 तक लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये इमेजेस हमने कैसे लिखने हैं, 1, 2 को मैप कर रहा है, 2, 4 को मैप कर रहा है, और 4 किसको मैप कर रहा है, 1 को। बाकी के एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर ही रखना है। इसी तरह से इसको हम बीटा का नाम दे लेते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो 1 किसको मैप कर रहा है, 3 को मैप कर रहा है, और 3 6 को, 6 5 को, 5 4 को, और 4 दोबारा 1 को। तो ये सारे एलिमेंट्स हम यहां से इसी परमोटेशन से हमने लिख दिए। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूं। यहां से फिर आगे हमने क्या करना है, इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन की फॉर्म के अंदर भी हमने लिखना है। तो अब यहाँ पे देखे 1, 2 को मैप कर रहा है, 2, 1 को मैप कर रहा है, मतलब एक साइकिल तो इसका ये बन रहा है, एक ये एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे यूटिलाइज हो गया। अब नेक्स्ट देखें 3, 6 को मैप कर रहा है, 6, 5 को, और 5 किसको मैप कर रहा है, 4 को, और 4, 3 को, मतलब 4 दोबारा 3 को, तो दूसरा साइकिल ये बन रहा है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसमें अल्फा ये गिवन परमोटेशन है, तो इसको हम 5 तक लिखेंगे क्योंकि इसके जो सेकंड परमोटेशन है उसके डोमेन भी 5 तक ही है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए डोमेन का सेम होना लाजमी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 5 राइट डाउन कर लेना है। अब यहां से देखें 1, 2 को मैप कर रहा है, 2, 3 को, 3, 4 को, और 4 दोबारा 1 को, रिमेनिंग को हमने क्या किया, आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर ही रहने दिया। अब इससे नेक्स्ट बीटा, बीटा क्या है, बीटा परमोटेशन के अंदर क्या है, 5, 2 को, 2, 3 को, 3, 4 को, 4, 1 को, और 1 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 5 को ही मैप कर रहा है, तो ये सारी परमोटेशन हमने इसी से राइट डाउन कर ली। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए अभी मल्टीप्लीकेशन आप लोग सीख चुके हैं, तो ये इसकी हमने मल्टीप्लीकेशन करवा ली। अब इससे नेक्स्ट हमने इसको साइक्लिक फॉर्म के अंदर लिखना है, तो अब देखें 1, 3 को और 3, 1 को, मतलब एक साइकिल ये बन रहा है, दूसरा 2, 4 को, 4, 5 को, और 5 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 2 को, तो दूसरा साइकिल इसका 2, 4, 5 बन रहा है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, 4, तो इसको भी हम यू राइट डाउन कर सकते हैं, इसमें 1, 4 को और 4, 1 को मैप कर रहा है, बाकी के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिटी में ही रहने देंगे। अब इससे नेक्स्ट बीटा परमोटेशन इसकी 2, 3, 5 है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि 2, 3 को मैप कर रहा है, 3, 5 को, और 5 दोबारा 2 को मैप कर रहा है, बाकी का जो एलिमेंट्स इसके थे 4, 4 को हमने आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर ही रहने दिया, और 1 को भी आइडेंटिटी ही रहने दिया। और इससे नेक्स्ट यहाँ एक थर्ड परमोटेशन गैमा भी है, जिसमें 3, 5 को और 5, 3 को मैप कर रहा है, और बाकी के एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिटी में ही रहने देना है। और इससे नेक्स्ट एक और परमोटेशन है जिसको हम सिग्मा का नाम दे लेते हैं, और इसमें 4, 5 को और 5, 4 को मैप कर रहा है, ये देखें 4, 5 को और 5, 4 को, बाकी के एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिटी फॉर्म के अंदर ही रहने दिया। अब इन चारों परमोटेशंस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, अल्फा को बीटा के साथ पहले मल्टीप्लाई करवा लेंगे जो भी आंसर आएगा उसको, फिर गामा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर तीनों परमोटेशन के प्रोडक्ट को हम सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अल्फा डॉट बीटा को कैलकुलेट करते हैं, तो इसका ये आंसर आएगा। अब अल्फा बीटा को हम गामा के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसका ये आंसर आएगा। और इसी तरह से अल्फा बीटा गामा को हम फिर सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसका ये रिजल्ट आएगा। यहाँ ये मैंने सिर्फ इनके रिजल्ट राइट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि परमोटेशन की मल्टीप्लीकेशन आपने अब काफी मर्तबा आपने कर ली है, तो इसलिए ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट फिर हमने क्या करना था कि इसको साइक्लिक की फॉर्म भी हमने कन्वर्ट करना था। तो यहाँ से देखें 1, 5 को, 5, 2 को, 2, 4 को, 4 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को, तो मतलब इसका ये साइकिल बन रहा है 1, 5, 2, 4 की फॉर्म में। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमोटेशंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स। ये दो परमोटेशन गिवन है और हमने इनको डिसजॉइंट साइकल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो इसके लिए हम इस परमोटेशन को लेट करते हैं कि अल्फा के इक्वल है। यहाँ पे देखें 1, 8 को और 8, 1 को मैप कर रहा है, तो इसका मतलब एक परमोटेशन इसकी ये बन रही है। दूसरी परमोटेशन में देखें 2, 2 को मैप कर रहा है, तो इसको हम नहीं लिख सकते, साइक्लिक की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब 3, 6 को, 6, 4 को, और 4 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 3 को, तो दूसरा साइकिल इसका ये बन रहा है, 5, 7 और 7, 5 को, तीसरा साइकिल इसका ये बन रहा है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम रिवर्स चल रहे थे, मतलब हमें इस तरह की परमोटेशन गिवन थी तो हम इस फॉर्म में के अंदर आ रहे थे। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा कि आपको ये फॉर्म गिवन है तो आप इस रिजल्ट को फाइंड आउट करके दिखाएं। अब इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को भी हम लेट कर लेते हैं, अल्फा के इक्वल है और यहाँ पे आप देखें 1, 3 को मैप कर रहा है, 3, 4 को, और 4 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 1 को, मतलब एक ये परमोटेशन बन गई। दूसरी परमोटेशन देखें 2, 6 को और 6, 2 को, दूसरी ये परमोटेशन आ गई इसकी। थर्ड साइक्लिक परमोटेशन के लिए हम देखें 3, 4 को, मैं
थर्ड परमोटेशन की आप देखें 5 8 को, 8 7 को, और 7 दोबारा किसको मैप कर रहा है, 5 को। तो थर्ड इसकी ये साइक्लिक परमोटेशन आ गई। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह अब इस चैप्टर का सिर्फ हमारा एक लास्ट लेक्चर रहता है, जो कि जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।